Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. देश में चुनावी घमासान जोरों पर है। एक पल लगता है कि चीजें बड़ी ही आसान हैं, बड़ी तेजी आने वाली है, और दूसरे ही पल लगता है कि चीजें उतनी आसान नहीं है, बाजार शायद बड़े करेक्शन की तैयारी कर रहा है। इस उलट फेर में, इस खींचातानी में किस प्रकार से आपको चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करना है, कैसे अपने पोर्टफोलियो को बचाए रखना है, ये जानेंगे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो सारे काम छोड़ दीजिए, पूरे इत्मीनान से और पूरे ध्यान से आज के वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, जय श्री राम। हाल में एक बड़े निवेशक के साथ मेरा संवाद हो रहा था। उनका ये कहना था कि भाई हमें बाजार में बड़ा पैसा लगाना है, पैसा पूरी तरह तैयार है, हमारी भी पूरी तैयारी है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शंस बीत जाएं। उनका ये मानना है कि भाई चुनाव के परिणाम क्या होंगे इसको लेकर के तो पूरी तरह से वो आश्वस्त हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि एक इवेंट रिस्क है, सामने ही इवेंट है, तो क्यों ना कुछ दिन रुक जाते हैं, थोड़ा सा महंगा ले लेंगे, लेकिन लेंगे जब इवेंट रिस्क निकल चुका होगा। वो अकेले नहीं हैं, सैकड़ों हजारों बड़े फंड्स और निवेशक इस बड़े इवेंट के गुजर जाने की राह देख रहे हैं। जब बाजार में क्लैरिटी ज्यादा होगी इस बात को लेकर के पूरी तरह से वो आश्वस्त होंगे कि आगे आने वाले सालों में क्या होने वाला है, तब पैसा नया बाजार में आएगा। और इसके चलते हमने देखा है कि बाजार में नए पैसे की आमद कुछ दिनों के लिए थोड़ी रुक गई है, वॉलिटिलिटी बढ़ गई है, उतार चढ़ाव बढ़ गया है, और इंडिया विक्स जो कि वॉलिटिलिटी का सूचकांक होता है, जिसका चार्ट आप सामने देख रहे हैं, इसमें बड़ा उछाल पिछले कुछ दिनों में आता हुआ दिखा है। यह है इस बात का द्योतक कि बाजार में उठापटक बढ़ रही है, खतरा जोखिम अनिश्चितता बढ़ रही है। ऐसे में आप और मैं क्या करें, यह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे हमारे लिए जरूरी सवाल है, जिसका हमें मिलकर के एक जवाब ढूंढना है। तो आज का वीडियो इसी जवाब को ढूंढने के लिए एक बड़ी कोशिश है। आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और मुझे पूरा विश्वास है वीडियो देख लेने के बाद आपको एक बहुत ही पुख्ता जवाब इस सवाल का मिलेगा। तो लीजिए, सामने आपके इंडिया विक्स का चार्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सप्ताह में जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। 11 का इंडिया विक्स बढ़कर 17 तक आ गया, यानी कि फीसदी के लिहाज से देखें तो जबरदस्त उछाल आपको इंडिया विक्स में आता हुआ दिख रहा है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। हमेशा चुनाव से पहले इंडिया विक्स में इसी प्रकार की तेजी आती है और बाजार में उठापटक होने लगती है और सारे ऑप्शंस के प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। इस बात को समझिए, ऑप्शन के प्रीमियम का बड़ा हिस्सा होता है वॉलेटिलिटी प्रीमियम, जिसको वेगा कहा जाता है। तो जैसे ही आप देखते हैं कि चुनाव या ऐसे कोई बड़ी घटना या बड़ा इवेंट सामने होता है, तो ऑटोमेटिकली लोग खतरा महसूस करने लगते हैं और उस जोखिम के चलते ऑप्शन के प्रीमियम खुद ब खुद बढ़ जाते हैं, और वही होता हुआ इस बार भी दिखाई पड़ा है। तो एक बड़ा जंप हमने ऑप्शन के प्रीमियम में देखा है हाल फिलहाल में। अब ऐसे में देखिए पूरी तस्वीर क्या है, किस चीज के लिए आपको तैयार रहना है, और ये जो पूरा शोरगुल है जो आपको ठीक ढंग से सोचने का अवसर ही नहीं देता, इससे दूर कैसे हम एक न्यूट्रल बैलेंस्ड व्यू बना सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं और देखते हैं कि फिलहाल की तस्वीर क्या है। तो देखिए, अब हम ये जो उठापटक बाजार में चल रही है इसको हम अब चुनाव से जोड़कर देखने लगे हैं, लेकिन ये चुनाव का हैंगओवर बाजार पर अभी से नहीं, कई महीनों से चल रहा है। गौर से देखिए इस चार्ट को। 2024 कैलेंडर ईयर में प्रवेश करते ही बाजार की गति कम हो गई। इससे पहले तेज रफ्तार फराटा तेजी आपको बाजार में दिख रही थी, लेकिन 2024 के बाद से आप देखें तो कुल मिलाकर बाजार एक दायरे में ही रहा है, एक तरफा तेजी नहीं बनी, और यही दायरा है क्योंकि 24 में इलेक्शंस होने हैं, ये हमें पहले ही पता था, और इसके चलते उस प्रकार की बाइंग 2024 में देखने को नहीं मिली। अब एक स्थिति देखते हैं, आइए गौर से। तो आप देखते हैं कि बाजार एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 22,800 पर एक बड़ा हर्डल है,
21800 पर सपोर्ट है और उसके बाद फिर 20500 पर भी बड़ा सपोर्ट नजर आता है। तो यह कुल मिलाकर अभी स्थिति है निफ्टी की। अब ऐसे में करें क्या? देखिए, बाजार काफी भाग चुका है, भागने के बाद एक रेंज में है और काफी नेगेटिव प्रचार भी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा। कई प्रकार की अटकलें लग रही हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है जो कि हर चुनाव में होता है और उसके चलते बाजार में उठापटक चल रही है। एक बात हमेशा याद रखिए, इसको अपना मूल मंत्र मान करके आगे बढ़िए और ये मंत्र है मार्केट नोज बेस्ट। जी हां, बाजार के विवेक से कोई टक्कर ले ही नहीं सकता। मुझे बाजार में इतना समय हो गया, जो बाजार को पता होता है, जिस दूर की परेशानी को बाजार पहले भांप लेता है या जिस आने वाली तेजी को बाजार पहले महसूस कर लेता है, उसको आप, मैं, किसी अखबार का संपादक या कोई भी और विश्लेषक पहले नहीं भांप सकता। तो हमेशा बाजार पर आपको ज्यादा विश्वास करना है। मार्केट फिलहाल कोई बड़ा करेक्शन नहीं दे रहा है और जब तक कोई बड़ा करेक्शन, कोई तीव्र गिरावट चार्ट पर देखने को न मिल जाए, ये नहीं सोचना है कि चीजें बहुत खराब होने जा रही हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स चार्ट पर अंकित कीजिए, यही बात मैंने एक पिछले वीडियो में भी आपको कही थी। याद रखिए कि इंपॉर्टेंट लेवल्स चार्ट पर ये हैं। जब तक कोई मेजर लेवल ब्रीच ना हो जाए तब तक ये मान करके चलिए कि कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं है। बाजार में उठापटक लगी रहेगी, वॉलिटिलिटी रहेगी, लेकिन जैसे ही चीजें क्लियर होने लगेंगी, लोगों को मजबूरन बाजार में पैसा डालना ही होगा। बड़े फंड्स हैं जो वेट कर रहे हैं, उनका पैसा तेजी से बाजार में आएगा और ऐसा होने से बड़ी तेजी बनने की भी संभावना है। अब देखिए, अगर आप चार्ट्स देखते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, इलेक्शन के रिजल्ट्स चार्ट पर आपको पहले देखने को मिलेंगे और उसके आधार पर आप सही निर्णय कर पाएंगे। बस आपको चार्ट्स पर पैनी नजर रखनी है और ये लेवल्स चार्ट पर ठीक ढंग से मार्क कर लेने हैं। और एक बात और जो कि मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहता हूं, वो ये है कि आमतौर पर इस प्रकार के किसी भी बड़े इवेंट से पहले आप चाहें तो ऑप्शंस के सही इस्तेमाल से भी काफी हद तक वॉलिटिलिटी के रिस्क को आप मैनेज कर सकते हैं, बेहतर ढंग से अपने आप को और अपने पोर्टफोलियो को प्रिपेयर कर सकते हैं। लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, ये याद रखिए कि चुनाव के परिणामों का असर आपको जून के महीने में आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो जून के ऑप्शंस को ध्यान से समझिए, देखिए और उन ऑप्शंस को बाय करते समय, विशेष रूप से जब आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे, डाउन साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि गिरावट से बचाव के लिए अगर आप पुट खरीद रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि पुट आपको काफी महंगी मिल रही है, क्योंकि जिस तरह आपको एक बड़ा जोखिम नजर आ रहा है, जो व्यक्ति पुट आपको बेच रहा है उसको भी इस जोखिम का अनुमान है और इसीलिए वो आपसे एक बड़ा प्रीमियम चाहेगा। पुट ऑप्शंस महंगे होते हैं बड़े इवेंट से पहले। तो याद रखिए कि अगर आप डाउनसाइड रिस्क को कवर करने के लिए कोई पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप 21000 का पुट खरीदते हैं जून का, ये सोच करके कि अगर बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो 21000 से नीचे का नुकसान नहीं देना पड़ेगा, याद रखिए पुट आपको महंगा मिल रहा है, इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जो इसकी औसत कीमत होती है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, उससे ज्यादा पैसा आपको वॉलिटिलिटी की वजह से देना पड़ रहा है। तो ऐसे में हमेशा ये जरूरी होता है कि इस पुट को खरीदते समय किसी अन्य पुट को आप बेच दें, जिससे कि ये एक बेयर स्प्रेड में तब्दील हो जाए। यानी कि अगर मान लीजिए किसी वजह से बाजार में बड़ी गिरावट नहीं आती है या हल्की फुल्की गिरावट आती है, तो इस पुट के प्रीमियम का नुकसान जो आपको होगा उसकी कुछ हद तक भरपाई उस पुट के प्रीमियम से हो जाएगी जिसको आपने बेचा होगा। तो ऐसे इवेंट से पहले कभी भी नेकेड पुट ऑप्शंस बाय न करें, हमेशा बेयर स्प्रेड बनाएं। तो इन बातों का ख्याल हमेशा रखिए जब कभी इस बड़े इवेंट से पहले आप अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस कर रहे हों। आनन फानन में पोजिशंस को एग्जिट ना करें, ये ना सोचें कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तबाह होने वाला है, और अपनी पोजिशंस को बिना सोचे समझे एग्जिट कर दें। ये भी याद रखिए कि जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। आर या पार के खेल आमतौर पर लोग बड़े इस इवेंट से पहले करना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर कॉल ऑप्शंस खरीद लेते हैं अगर व्यू पॉजिटिव हो, या बड़े पैमाने पर पुट ऑप्शंस खरीद लेते हैं ये सोच करके जरूर नेगेटिव न्यूज आएगी। आपका काम केवल अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस और अपने पोर्टफोलियो को हेज करने का होना चाहिए। बाजार को
किसी भी सुलझे हुए निवेशक को इस प्रकार के इवेंट से अत्यधिक परेशान नहीं होना चाहिए। एक नहीं सैकड़ों चुनाव आते और जाते रहते हैं, लेकिन बाजार का ट्रेंड निरंतर पॉजिटिव बना हुआ है और आने वाले समय में भी पॉजिटिव बना रहेगा। निश्चिंत रहिए, लॉजिकली सोचिए, अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए। जो भी निर्णय करना है उसको लॉजिकली करें। हेजिंग जरूर करें अगर आपकी पोजीशंस सिग्निफिकेंट हैं। कैसे हेजिंग की जाती है, उम्मीद है कि इसका कुछ क्लू आपको आज के वीडियो से मिला होगा। अगर आप और जानना चाहते हैं हेजिंग के बारे में, और जानना चाहते हैं पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन के बारे में, तो नौकरी से आजादी कार्यक्रम से जुड़े हैं। जी हाँ, NSA 13 मई में ही शुरू होने जा रहा है, और अगर आपको इसका हिस्सा बनना है तो तुरंत दिए गए नंबर से संपर्क करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और NSA 13 का सदस्य बनकर सेनानी कहलाएं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, चुनाव की चिंता मत कीजिए, बाजार संभाल लेगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।